बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष ने स्थानीय कांग्रेस विधायक के सड़क संबंधी बयान को बताया हास्यप्रद। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की बात को बताया शेख चिल्ली की कहानी। बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय कुमार द्वारा जारी किए गए 2022 में क्षेत्र की सड़कों को चकाचक बनाने संबंधी बयान को हास्यप्रद बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उक्त विधायक लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव के पद पर कार्यरत थे तथा उस दौरान इन्होंने ना तो क्षेत्र की किसी सड़क को राज्य अथवा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की कोशिश की और ना ही बदहाल सड़कों की हालत में सुधार के प्रयास किए। उन्होंने विधायक के उस बयान को शेख चिल्ली की कहानी बताया जिसमें वह 2022 में कांग्रेस के प्रदेश में सत्तासीन होने पर इलाके की सड़कों को चकाचक करने के दावे कर रहे हैं। मेलाराम शर्मा ने कहा कि संगड़ा हरिपुरधार चौपाल सड़क को पक्का करने के लिए जहां वर्तमान में करीब 1,20,00,000 का काम शुरू हो चुका है, वहीं लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ा में सड़कों व पुलों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 40 करोड़ का बजट उपलब्ध है। उन्होंने क्षेत्र में की सड़कों के सुधार के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और स्थानीय कांग्रेस विधायक को भी सरकार का आभार जताने की राय दी। उन्होंने कहा कि इलाके की सड़कों की बदहाली के लिए क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तथा इसी दल की सरकारें जिम्मेदार है, जबकि भाजपा शासन काल में हमेशा रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों में सुधार के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध हुआ है। मुझे आज रेणुका के विधायक श्री विनय कुमार जी के जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया है उसको देखकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो रेणुका क्षेत्र की सारी सड़कें चकाचक कर देंगे। हैरानी तो इस बात की है कि पिछले टेन्योर में हमारे माननीय विधायक जो है सरकार में CPS रहे और लोक निर्माण विभाग इन्हीं के पास था, तब तो इन्होंने सड़कें चकाचक नहीं की और अब रेणुका की जनता को ये 2022 के सब्ज भाग दिखा रहे हैं। कौन सी शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ रहे होंगे विधायक महोदय? और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि रेणुका की जनता अब काफ़ी पढ़ लिख गई है और वो जो है इस तरह के बहकावों में आने वाली नहीं है। और ये बात बिल्कुल तय है कि जिस प्रकार से हमारी भाजपा सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में और खासकर रेणुका में जो है विकास के कार्य कर रही है, अभी संगड़ा में जो है पिछले 10 दिनों से संगड़ा से लेकर हरिपुर धार तक जो है 1,22,00,000 रुपए की लागत से सड़क को पक्का किया जा रहा है और साथ में हरिपुर धार मंदिर से लेकर और हेलीपैड तक भी सड़क को पक्का किया जा रहा है। तो जब जब भी भाजपा की सरकार आती है तो सड़कों के काम और उनके रखरखाव के काम में और सड़कों के निर्माण में तेजी आती है और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो सारे काम ठप हो जाते हैं और सारी दुनिया जानती है कि भाजपा सरकार की देन है कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लागू की है जिसके तहत आज घर घर और गांव गांव सड़कें पहुंची है। तो मैं तो विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप ऐसा बयान करें जिससे जो है लोग जो है हंसे नहीं आपकी बयान पर और गंभीरतापूर्वक जो है आप अपने बयान जारी करें।